जिला बांदा कस्बा अतर्रा में 13 अक्टूबर को रामचरित रामलीला कमेटी द्वारा दंगल कराया गया, जिसमें महिला और पुरुष पहलवानों ने अपने अपने दाव पेच दिखाए। नेपाल के पहलवान मनजीत ने दिल्ली से आए अमित पहलवान को हराकर 21,000 का इनाम जीता। वहीं झांसी की रेणु पहलवान ने फैजाबाद की नेहा को हराकर 11,000 का इनाम जीता। तो ये जो दंगल करवाते हैं आप, तो कैसे करवाते हैं ये दंगल? हम ये रामलीला का जो ये दशहरा महोत्सव होता है, इसके समापन के उपलक्ष्य में दंगल कराते हैं हम इसको। कब से ये शुरू है? ये तो 3 साल हो गए दंगल का, और ये जो रामलीला का है यहाँ ये 85वां साल है। मैं भारत में कम से कम 50 दंगल करा, और ये सारे पहलवानों का लाना, सारी व्यवस्था करना मेरा काम। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अतर्रा ही रहता हूँ। कब से ये कुश्ती लड़ रहे हैं आप? हम 10 साल की उम्र से कुश्ती लड़ रहे हैं, बहुत बहुत दूर तक गए हैं, नेशनल तक खेला हमने अपने घर। आपको कुश्ती लड़ने का शौक कैसे हुआ, मतलब मन में ये रुचि कैसे आई? ये कुश्ती कला हमारे देश की प्राचीन कला, सबसे पहले कुश्ती कला हमारे इधर होती थी, इसीलिए हमें भी कुश्ती का शौक है। मंजीत पहलवान पंजाब का। तो उसको कितने का इनाम था जी? उसको कितने का इनाम था? इनाम उसको 21,000 का था। जो महिला पहलवान आई है उनको 11,000, 5,000। तो ये जो खर्च है ये कैसे निकलता है? अब ये खर्च हम लोग आपस में बर्दाश्त करते, किसी से लेते नहीं। कब से ये कुश्ती लड़ रहे हैं आप? हो रहा है 6 साल। पहलवान आए थे तो कहाँ कहाँ के आए थे? इसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, नेपाल, राजस्थान, राज्य यहाँ से पहलवान थे, बाकी क्षेत्रीय पहलवान मुगुस बांदा क्षेत्रीय पहलवान। कितने जगह गए हैं कुश्ती लड़ने? अरे बहुत दूर जाते हैं भाई, हर पंजाब हम जाए, दिल्ली हम जाए, कानपुर हम जाए, उन्नाव हम जाए, अपन बांदा जिला हम घूमे। महिला पहलवान में कौन जीता है? महिला पहलवानों में रेणु पहलवान झांसी स्टेडियम की, गाजियाबाद स्टेडियम की, उसमें हारी। हमारे यहाँ मतलब पहले ही पहलवान मेरे मामा खेला करते थे, मम्मी भी खेली थी। अच्छा, तो इसमें मजा आता है जी? मजा आता है इसमें। इसके अलावा और क्या करती है? नहीं बस एक शौक है।